सभी लोग यहाँ पे पहुँचे थे, मांग कर रहे हैं क्योंकि ऐसा गलत काम बहुत ही जघन्य अपराध होता है और यहाँ पे फांसी की मांग करते हुए निवासी और रोड जाम करते हुए यहाँ पे सभी लोग इस तरह से देश में जो दुष्कर्म हो रहा है और प्रशासन इस पर कार्रवाई कि किसी की भी घर की बहू बेटी तो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार से भी निवेदन है और थाना प्रभारी से भी कि हम लोग का मांग जल्दी सुनवाई हो और हम लोग को लिखित ये मिले, समझे। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी नहीं फांसी हो, फांसी नहीं चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन घटना क्या है, घटना के बारे में जानकारी। एक हिंदू परिवार की लड़की तो टेम्पू द्वारा महिला फुसला कर ले जाया गया है। उसमें से दो पेटरवार के हैं, तीन पेटरवार के हैं और तीन सदमा के हैं। और रात्रि के समय में उसको टेम्पू से फेंक दिया गया है। घर में बोले सजा दिलवाएंगे और उसका घर सील किया जाए और जितने अपराधी पकड़े गए जो जघन्य काम किए वो सामने थाना प्रशासन के सामने हम लोग आंख से देखना चाहते हैं। आठों आदमी है कहाँ। ये रोड जाम कितने सामाजिक तत्वों के द्वारा और जयद्वार चौक को जाम कर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई कदम नहीं उठा रही है। सुनिए, पूरा झारखंड का कुछ इससे पहले झारखंड में हजारीबाग में भी ऐसा ही हुआ था। एक महीना पहले यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था। अब ये घटना पूरा देश का भी ये घटना है। अब यहाँ ये पर्टिकुलर धर्म का ही लोग हमेशा कहे ये पकड़ाता है हर चीज में। इसीलिए या तो सरकार अपना काम करे या तो हम